Hello everyone, today we are going to read a new story, Rip Van Winkle, for class 5th. This story is about Rip Van Winkle. ये कहानी एक Rip Van Winkle करके आदमी की है, a good natured but lazy man, बहुत ही अच्छे स्वभाव वाले आदमी की, पर वो कैसा है? Lazy है. Who goes away into the hill, जो पहाड़ों में चला जाता है, and falls asleep, और वहाँ जाके सो जाता है. When he awakens 20 years later, 20 साल बाद जब उसकी आँख खुलती है, Rip finds that quite a few things have changed, और उसको realize होता है कि बहुत सारी चीजें तब से बदल चुकी है, right? Things have changed. Many years ago, बहुत साल पहले, at the foothills of the Catskill Mountain, Catskill Mountain के foothills पर, मतलब उसके पैरों पर, was a little village, वहाँ एक छोटा सा गांव था. In the village lived a simple, good-natured fellow named Rip Van Winkle. उस गांव में एक बहुत ही सीधा साधा और अच्छे स्वभाव का एक आदमी रहता था, जिसका नाम था Rip Van Winkle. He was a kind neighbor, वो बहुत ही दयालु और अच्छा नेबर था. Ready to help anyone, हर एक को help करने के लिए ready होता था. Everyone in the village liked him, हर कोई उसको उस गांव में बहुत पसंद करता था. The children of the village shouted with joy whenever they saw him, उस गांव के जो बच्चे थे वो उसको देखकर खुशी से चिल्लाते थे. Because he played with them, वो उन बच्चों के साथ खेलता था. He taught them to fly kites, उन्होंने उन बच्चों को सिखाया था कि कैसे पतंग उड़ाते हैं, शूट मार्बल्स, कैसे कंचे खेलते हैं, एंड टोल्ड देम लॉन्ग स्टोरीज, और उन बच्चों को उसने लंबी लंबी कहानियाँ भी सुनाई थी. द ओनली प्रॉब्लम विद रिप वॉज, रिप के साथ सिर्फ एक ही प्रॉब्लम था, दैट ही वॉज वेरी लेजी, कि वो बहुत ही ज़्यादा लेजी था. ही डिड नॉट वर्क ऑन हिज ओन फार्म, वो अपने खेत में काम ही नहीं करता था, एंड जस्ट आइडल्ड अवे हिज टाइम, और अपना समय बर्बाद करता था. हिज फेंसेज वर फॉलिंग टू पीसेस, उसके जो खेत थे, उसके जो किनारे के फेंसेज होते थे, वो गिरने लग गए थे. हिज काउ वॉज गोइंग अस्ट्रे, उसकी गाय भी इधर उधर चली जाती थी. वीड्स ग्रू ऑन हिज फार्म, उसके खेत में काम की चीज ना उग करके बस बेकार की घास उगती थी. रिप्स कॉन्स्टेंट कंपेनियन, कॉन्स्टेंट यानि हमेशा, कंपेनियन यानि साथ देने वाला, ओके, वॉज हिज डॉग, जो हमेशा उसके साथ रहता था, दैट वॉज हिज डॉग नेम्ड वुल्फ, और उसका नाम क्या था? वुल्फ. टू अवॉइड वर्क ही वुड वॉक अवे इन टू द फॉरेस्ट विद हिज डॉग, ओके, काम को अवॉइड करने के लिए वो जंगल में चला जाता था अपने डॉग के साथ. वन डे रिप जस्ट वॉकड ऑन एंड ऑन, एक दिन रिप बस चलता रहा, एंड रीच द हाइएस्ट पार्ट ऑफ द माउंटेन, पहाड़ की एकदम चोटी में पहुंच गया. इट वॉज लेट इन द आफ्टरनून, मतलब दोपहर में काफी लेट हो चुकी थी. वेन ही रीच देयर, जब वो वहां पहुंचा, टायर्ड आफ्टर हिज लॉन्ग क्लाइंब, मतलब इतना चढ़ने के बाद वो थक चुका था, ही ले डाउन, वो थोड़ी देर वहाँ पे लेट गया, एंड बिगेन डे ड्रीमिंग, और उसको दोपहर में सपने आने लगे. इट वॉज सून इवनिंग, शाम हो गई, एंड ही रियलाइज इट वुड बी नाइट बाय द टाइम ही रीच्ड हिज विलेज, और उसको ये एहसास हुआ कि जब तक वो वापस आएगा, नीचे उतरेगा, तब तक पक्का रात हो जाएगी. सडनली ही हर्ड अ वॉइस कॉलिंग आउट, तब तक उसको एक आवाज़ सुनाई दी, रिप वैन विंकल, रिप वैन विंकल, कोई उसका नाम पुकार रहा है. ही लुक्ड अराउंड एंड सॉ अ शॉर्ट ओल्ड मैन, उसने चारों तरफ देखा तो उसको एक छोटा सा बूढ़ा आदमी दिखाई दिया, विथ थिक हेयर एंड ग्रिजल्ड बियर्ड, जिसकी बहुत ही घने बाल थे, और बियर्ड, बियर्ड का मतलब होता है दाढ़ी थी. वॉकिंग टूवर्ड्स हिम विद अ बैरल, बैरल का मतलब होता है एक लिक्विड, मतलब सॉरी नॉट लिक्विड, इट इज़ अ वुडन कंटेनर, मतलब लकड़ी का एक कंटेनर होता है, वो उसको लेकर आया. ही मेड साइन टू हेल्प हिम कैरी द बैरल, उसने रिप वैन विंकल को इशारा किया कि चलो मेरी हेल्प करो इसको उठाने में. रिप हरीड टू हेल्प द स्ट्रेंजर, आपको पता है रिप का स्वभाव कैसा था, ही वॉज ऑलवेज रेडी टू हेल्प, वो फटाफट से उस स्ट्रेंजर की हेल्प करने गया. ही कॉट हिज हैंड टाइटली, उसने उसका हाथ एकदम टाइटली पकड़ लिया. टुगेदर दे रीच्ड अ प्लेस, वो लोग एक जगह पहुंचे, वेयर देयर वर सम मोर ऑड लुकिंग मैन, वहां पे और भी बहुत सारे अजीब अजीब आदमी
थे, प्लेइंग नाइन पिंस, वो नाइन पिंस करके गेम खेल रहे थे. दे वर ऑल ड्रेस द सेम वे, हर किसी ने एक जैसी ड्रेस पहनी हुई थी. एंड ऑल ऑफ देम हैड बियर्ड, और सबकी दाढ़ी थी. और वेरियस शेप्स एंड कलर्स, अलग अलग शेप्स की और अलग अलग कलर्स की. इवन दो दे वर प्लेइंग द गेम्स, वो लोग गेम खेल रहे थे, लेकिन बट देयर फेसेस, लेकिन जो उनका चेहरा था वो सीरियस, देयर फेसेस वर सीरियस, उनका चेहरा बहुत सीरियस था. एंड देयर वॉज अ साइलेंस, वहाँ पे एकदम सन्नाटा था. द ओनली साउंड वॉज द नॉइज ऑफ द बॉल, वहाँ पे सिर्फ एक ही आवाज़ आ रही थी सिर्फ बॉल की, विच एकोड इन द माउंटेन्स लाइक थंडर. एको का मतलब क्या होता है, गूंजना. और उस बॉल की आवाज़ पूरे माउंटेन में गूंज रही थी. एज रिप एंड हिज कंपेनियन रीच देम, जैसे ही रिप और उसका कंपेनियन डॉगी वहाँ पहुंचे, दे स्टॉप्ड प्लेइंग एंड स्टेयर्ड एट रिप विद अ फिक्स्ड गेज, उन सब ने गेम खेलना बंद कर दिया और रिप को घूरने लगे. रिप वॉज रियली फ्राइटन, अब रिप को बहुत डर लगने लगा. हिज कंपेनियन एम्प्टीड द कंटेंट्स ऑफ द बैरल इन टू ग्लासेस एंड मेड रिप ड्रिंक इट. अब उन लोगों ने क्या किया, सब लोगों ने उस जो लकड़ी का बैरल था उसको खाली किया, ग्लासेस में जो भी लिक्विड था भरा और रिप को बोला यू हैव टू ड्रिंक इट. रिक ओबेड, ओके, रिप ने उसकी बात मान ली. एंड ही वॉज ट्रम्बलिंग विथ फियर, क्योंकि उसको वैसे भी बहुत डर लग रहा था. सिंस ही वॉज थर्स्टी, और उसको प्यास भी लगी थी, ही ड्रैंक अ फ्यू मोर ग्लासेस, उसने और भी ग्लासेस पी लिए. एंड स्लोली फेल इन टू अ डीप स्लीप, और वो गहरी नींद में सो गया. ऑन वेकिंग अप, जब वो उठा, ही फाउंड दैट ही वॉज एट द प्लेस वेयर ही हैड फर्स्ट मेट द ओल्ड मैन, उसको वो अपने आप को वहाँ देखता है जहाँ पे उसको फर्स्ट टाइम वो आदमी मिला था. ही रब्ड हिज आइज, उसने अपनी आंखें रब की. इट वॉज अ ब्राइट सनी मॉर्निंग, सुबह हो चुकी थी. फिर श्योरली आई हैव नॉट स्लेप्ट हियर ऑल नाइट थॉट रिप, रिप सोच है क्या मैं पूरी रात यहाँ पे सोया रहा. ही लुक्ड अराउंड फॉर वुल्फ, उसने अपने डॉगी को ढूंढा, बट ही वॉज नो वेयर, वो था ही नहीं कहीं. रिप विसल्ड फॉर हिम, रिप ने उसे विसल करके बुलाया, वुल्फ वुल्फ. He then shouted, उसका नाम भी बोला. No dog was to be seen, लेकिन वहाँ पर कोई dog था ही नहीं. Where has this dog gone? He muttered to himself. Muttered to himself, यानी खुद से वो कह रहा था कि ये dog कहाँ चला गया. He began to descend. Descend का मतलब होता है, in mathematics you must have learned descending order. बड़े से छोटा, तो वो ऊपर से नीचे आने लगा. Right? The mountain to go back to the village, ताकि वो अपने गाँव वापस जा सके. As he neared the village, जैसे ही वो अपने गाँव के पास पहुँचा, he met a number of people, वो बहुत लोगों को मिला, but he didn't know any of them. Very strange, वो अपने गाँव में किसी को पहचान ही नहीं पा रहा था. The villagers also stared at him equally surprised, और गाँव के लोग भी उसको surprise होके देख रहे थे. Who is this man? said one. एक आदमी ने बोला, यार ये आदमी कौन है? I have never seen him before, मैंने तो इसे कभी देखा ही नहीं. Said another, look at his long white beard. अरे यार इसकी सफ़ेद दाढ़ी तो देखो. And his wrinkled face, और उसका चेहरा जिसमें बहुत सारे रिंकल हैं. On hearing this, ये सुनते ही Rip stroked his chin. Rip ने अपनी चिन पे हाथ लगाया. And to his astonishment, एकदम सरप्राइज हो गया. He found his beard had grown. उसने महसूस किया कि उसकी दाढ़ी लंबी हो चुकी है. A foot long, एक फुट लंबी. And it was all white, और बिल्कुल white कलर की है. And old woman walked up to him, एक बूढ़ी औरत उस पर चलकर आई उसके पास. And looked at his face, और उसके चेहरे को ध्यान से देखने लगी for a moment. Then she exclaimed, तब उसने बोला, it is Rip Van Winkle, ये तो Rip Van Winkle है. Welcome home again. अरे वाह, ओल्ड नेबर, वो उसकी नेबर थी. Wow, Rip Van Winkle, welcome home again. Where have you been these 20 long years? वो उसको पूछे, Rip, तुम कहाँ थे 20 साल तक? Right, now this is a question mark. Adapted from the legend of Rip Van Winkle. It is again an extraction from a very big story, Rip Van Winkle by Washington Irving. Thank you and happy learning.